देखो बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आईडी नहीं लग पाई यार। मैंने जो वादे किए थे वो अपने वादे पे खड़ी नहीं उतरी। और जो हमारा एक इंडिया गठबंधन बना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घोषणा पत्र रहा है, घोषणा पत्र के आधार पर भी हमारे एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है, सभी बधाई की बात है और उनकी मेहनत का ही आज किसान सब। बाबू जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास बीएसपी का वोट चला गया इसलिए जीत गए, अगर उनका वोट होता तो जीत नहीं पाते। ये बीएसपी का काम हमें सभी वर्ग का वोट मिला है, कोई भी ऐसे लोग नहीं, कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो जनपद जालौन में हमें ग्रामीण हो, सभी लोग बधाई के पास। कौन से काम ऐसे है जो पहले करेंगे? अब देखो बुंदेलखंड का ये बहुत पिछड़ा इलाका है, हमारी कई बार जुड़े आज भी कहती हैं कि यहाँ किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य की समस्या है, यहाँ नौजवानों की नौकरी की समस्या है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि जिन समस्याओं से हमारा जनपद जालौन जूझ रहा है, इस लोकसभा क्षेत्र के लोग जूझ रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास होगा कि उन समस्याओं को हम निकाल दें। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा है और खामियां कहीं नहीं रही भारतीय जनता पार्टी के, उसमें विशेष रूप से जो हम लोग जो उम्मीद समझते थे कि बहुजन समाजवादी पार्टी अपना वोट लेगी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपना वोट नहीं ले पाया, इसलिए हम लोगों को हार की स्थिति को देखना पड़ा। अगर उसने अपना वोट ले लिया होता तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। किसको मंत्री हारे हैं? तो मैंने कहा ना कि अगर बीएसपी अपना वोट ले लेती तो शायद ये स्थिति ना आती। एक अंदरूनी कलह की भी बात सामने आ रही है बीजेपी की, अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा था जालौन में भी। देखिए जालौन में कहीं कोई अंदरूनी कलह नहीं था, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। और फिर मैं कह रहा हूँ बीएसपी ने अगर अपना वोट लिया होता तो शायद ये परिस्थिति ना आती। एकलव यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।